नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चार्जर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार हम जीमेल के सभी नए अपडेट्स और जीमेल के इनबॉक्स को नए तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने सभी यूआरएल लिंक्स को उसमें सेव कर सकते हैं एक बेहतरीन एक्सटेंशन की मदद से। तो जानते हैं उस एक्सटेंशन के बारे में, कौन सा है वो एक्सटेंशन, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कुछ नॉलेजेबल सीखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको राइट साइड में कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसमें ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको नीचे की तरफ आना और नीचे की तरफ देखिए, मोर टूल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस मोर टूल्स के ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे थर्ड नंबर का ऑप्शन है जो एक्सटेंशन का ऑप्शन, आपको इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसे ओपन कर लेते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का वेब पेज देखने को मिल जाएगा। आपको ऊपर लेफ्ट साइड में मेन मेनू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आइए और नीचे ओपन क्रोम वेब स्टोर को ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप इसे ओपन कर लेते हैं, इस लिंक को ओपन कर लेते हैं, आप गूगल क्रोम के ऑफिशियल वेब स्टोर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में देखिए सर्च आइकन देखने को मिल गया, आप इसमें सर्च कर लीजिए इनबॉक्स बाय जीमेल। जी हाँ, इनबॉक्स बाय जीमेल। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए आप नीचे की तरफ आइए और नीचे आपको ब्लू कलर का आइकन देखने को मिल जाएगा, इसका इनबॉक्स बाय जीमेल ऑफिशियल गूगल का प्रोडक्ट है, आपको बस इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, देखिए आप यहाँ पे अपनी स्टार रेटिंग देख सकते हैं, उसकी लैंग्वेज देख सकते हैं, ये ऑल 41 लैंग्वेज में आपको जिसमें हिंदी भी आप इंक्लूड हो चुकी है। इस एक्सटेंशन की मदद से आप इसमें बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, अपने यूआरएल्स को आप इसमें सेव भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपसे परमिशन मांगा, आप इसे परमिशन दे दीजिए, ऐड एक्सटेंशन में परमिशन दे दीजिए। जैसे आप इसे परमिशन देते हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपके नीचे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली इसे क्रॉस कर लीजिए और न्यू टैब ओपन कर लीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे आपको इनबॉक्स बाय जीमेल हैज बीन एडेड योर क्रोम, बस आपको सिंपली करना क्या है, इसे क्रॉस कर लीजिए और इस पर लेफ्ट क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर लेफ्ट क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए नीचे अपनी ईमेल आईडी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसमें ईमेल आईडी ओपन नहीं कर रखी तो आप पहले इसमें अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए, इसके बाद में इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं, गो टू इनबॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप गो टू इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार का वेब पेज या फिर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत ही सिंपल इंटरफेस, आप सिंपली इसमें आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इनबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आपको सुनिश्चित का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप कभी बिजी हैं और ईमेल नहीं पढ़ना चाहते तो उसे बाद में टाइम करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम इनबॉक्स पे जाते हैं और किसी को भी सुनिश्चित के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिए, अपने हिसाब से आप बस सिंपली ऐड क्लिक कर लीजिए और आप यहाँ पे टुडे का, टुमारो का, वीकेंड का, फिर आप अपने साथ टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एंटर कर लीजिए। हम यहाँ पे लेटर टुडे 6 PM का सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे डन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, थर्ड ऑप्शन है डन का ऑप्शन। आप जिन ईमेल को रीड कर चुके हैं वो डन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए हमें कुछ ईमेल्स यहाँ पे रीड कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है ड्राफ्ट का ऑप्शन, आप अपने सभी ड्राफ्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सेंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके द्वारा आप अपने ईमेल सेंड कर सकते हैं, फिर ईमेल सेंड कर रखे आपने कितनी ईमेल अपने फ्रेंड्स को सेंड कर चुके हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर रिमाइंडर का ऑप्शन, आप ऐसे अपने नोटिफिकेशन या फिर रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, बस आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना और आप यहाँ से अपने रिमाइंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर ट्रेस का ऑप्शन, आपके जितने भी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर ट्रेस के ऑप्शन पर देखने को मिल जाएगी, फिर आपने जितनी फाइल्स या फिर ईमेल्स अपने डिलीट कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस स्पैम मेल्स हैं वो यहाँ पर सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सिक्स्थ ऑप्शन आपको जो बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है वो है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, आप बस यहाँ सिंपल कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको जितने भी आपके जीमेल पे जितने कॉन्टैक्ट आपके ऐड हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी तक मैंने कोई कॉन्टैक्ट ऐड नहीं कर रखा है, तो बस सिंपली ऐड ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लीजिए। आप ऐसा अपने हिसाब से क्राइटेरिया, जैसे उसका फर्स्ट नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके फोटो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट नाम सेलेक्ट कर लीजिए, कंपनी, जॉब टाइटल, ईमेल भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, फोन नंबर ऐड कर लीजिए अपने, या फिर उसका नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मोर ऑप्शन मिल जाए, जैसे उसके डेट ऑफ बर्थ और अदर क्राइटेरिया आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसे बर्थ डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप इसे पूरी डिटेल सेव करके आप सेव कर लीजिए। इससे क्या बेनिफिट्स है, आप जब भी अगली बार अपने फ्रेंड को ईमेल करते हैं बहुत ही आपको आसान हो जाएगा, बस यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। इसके बाद दोबारा हम अपने इनबॉक्स पर आ जाते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आइए, आप आपको ऑप्शन दिया जाएगा बंडल इन इनबॉक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपको बंडल इनबॉक्स मिल जाते हैं, इसमें जैसे ट्रिप का ऑप्शन है, आपकी जितने भी ट्रिप रिलेटेड ईमेल्स हैं आपको यहाँ पे सब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसमें परचेज का ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, जितनी भी आपकी शॉपिंग रिलेटेड ईमेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर जैसे थोड़ा आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स हैं आपके, जैसे बैंकिंग रिलेटेड ईमेल्स हैं वो आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएगी। सोशल में आपको यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर लेंगे उसको आपको जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके सभी सोशल रिलेटेड ईमेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रोमोस में आपको जितनी प्रमोशनल ईमेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी आप यहाँ पे अपनी ईमेल्स को यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन भी आप अगर अपनी इस फीचर को अपडेट करना चाहते हैं, फिर इस एक्सटेंशन को अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। इसमें फॉर्म्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें लो प्रायोरिटी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिन ईमेल्स को आप रीड करना नहीं करना चाहते हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
आप अगर कोई नया बंडल क्रिएट करना चाहते हो बस क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लीजिए और अपने हिसाब से नया बंडल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार आप कुछ जीमेल का नया अपडेट्स और फीचर्स इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे अपने यूआरएल लिंक्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना है आपको जिस भी यूआरएल लिंक को सेव करना है आप उसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाएगा, बस इनबॉक्स बाय जीमेल का आइकन देखने को मिल जाएगा, बस सेव टू इनबॉक्स पर क्लिक कर लीजिए और आपका जो लिंक है वो इसमें सेव हो चुका होगा। इस बात अनदर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप किसी यूआरएल लिंक को अपने फ्रेंड्स को सेंड करना चाहते हो तो ईमेल के द्वारा भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप भी इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट में कमेंट कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए क्योंकि आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।